स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज आप लोग को बताने वाला हूँ कि यूनियन कैसे लगाना चाहिए, यूनियन लगाने का तरीका क्या होता है। देखिए ये यूनियन है, ठीक है, एक इंच यूनियन है, इसको लगाने का कैसे रूल क्या होता है, मतलब सही तरीका क्या होता है। आप देखिए कोई इधर भी लगाता है, ठीक है, एक टंकी है और इधर भी लगता है, लग तो दोनों बाजू से जाएगा, लेकिन सही तरीका क्या है लगाने का। आप देख सकते हो ये जो यूनियन का चूड़ी है इधर से खुलता है, ठीक है, इधर चढ़ता है। अगर एफ टी भी टाइट होगा तो इस साइड ही होगा, ठीक है, यूनियन का यूनियन टाइट होगा इस साइड और खुलेगा इस साइड, ठीक है। तो इसको लगाना ऐसा है कि अगर आप इधर लगाओगे ना, यूनियन को टाइट करोगे ना जब, तो ये यहाँ से घूम जाएगा तो ये ढीला पड़ जाएगा, ये यहाँ से खुल जाएगा। अगर इधर खोलोगे आप इधर टाइट होगा, मतलब उल्टा हो जाएगा, ऐसा नहीं चलेगा यूनियन। यूनियन लगाने के लिए सही तरीका है कि यूनियन आप पहले खोल के चेक करो, ठीक है, पहले आप खोल के चेक करो इधर से कौन सा साइड आता है, चढ़ने का टाइट जैसा नल लगता है या कोई भी आटा लगता है ना घड़ी के जैसा, ये देखो इस साइड घूम रहा है, ये घड़ी के जैसा घूम रहा है, तो यूनियन का जो टाइट होने का चीज है ना, ये भी टाइट होगा और ये भी टाइट होगा, तो एक ही बाजू टाइट होगा। जब खोलना हो तो ये थोड़ा सा माइनस हो जाएगा ना, तो इसके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा, ये अपने आप खुल जाएगा। तो यूनियन लगाना ऐसा ही, आप देखिए एक मिनट, ये जो है ना, ये जो जिसमें आटा चढ़ता है इसको टंकी का बाजू की पंप का बाजू कहीं भी हो, तो जो बॉडी फिक्स रहता है सामने वो जो आटा रहता है वो टाइट होता है ना, तो इसको भी ऐसे टाइट रखना पड़ेगा। ये वाला जो हिस्सा है ना आप देख सकते हो, वाला हिस्सा इस साइड में रहेगा, जैसे ये टाइट कर देना बाद में, तो इसको फर्क ना आए। जैसे अपना कोई भी जाएगा फिटिंग टाइट करते हैं सामने से, जिधर बाजू एक ही बाजू घूमता है ना, टाइट भी इधर होता है ये भी इधर टाइट होता है, तो जब खोलोगे ना तो थोड़ा भी ढीला होगा ना तो अपने खुल जाएगा, यहाँ से नहीं घूमेगा। अगर उल्टा करते हो ना, इधर टाइट करने जाओगे तो वहां से ढीला पड़ जाएगा, तो यही करना है, पहले करना ही आप लोग को, पहले यही करना है। देखिए पहले यहाँ सॉल्यूशन देना है बराबर से, ठीक है, इसके बाद में सॉल्यूशन यहाँ पे अप्लाई करना है फिटिंग में, फिटिंग में दे रही है, देख सकते हो इसके अंदर फिर लगा, अब ऐसे घुमाते हुए घुस करिए, एक्चुअली ओवरफ्लो का लाइन है, चाहे इस साइड में भी टंकी है, इस साइड में पंप भी हो सकता है, इस साइड में पंप भी हो सकता है, तो ऐसा लगाइए यूनियन कि बाद में समझ लो आप टाइट करो ना यूनियन का, तो यहाँ से भी टाइट हो, ढीला ना पड़े यहाँ से, तो उससे पहले खोल के देख लेना चाहिए अपने को। अब मैं इसको लेके लगा दूंगा, ठीक है, और ये याद रखिएगा ये वाशर होना जरूरी है, अगर वाशर नहीं रहेगा तो आपका लीकेज कन्फर्म लीकेज होगा, कोई लीकेज को नहीं कर सकता वाशर के बिना, वाशर होना जरूरी। देखिए वाशर, देखिए ये थोड़ा सा निकल गया है, प्लास्टिक का बॉडी जो है ना, प्लास्टिक थोड़ा बाहर निकल गया है, इसके निकल गया कि अपना ये इसमें चिपकता है पहले जाके, फिर बाद में जाके ये चिपकता है, थोड़ा फ्री रख के टाइट कीजिए, ठीक है, फिर बाद में आप इधर से वायर फ्लो का लाइन चाहिए सॉल्यूशन लेके, और यहाँ पे ज्यादा सॉल्यूशन मत दीजिएगा, वायर फ्लो के फिर अंदर चला जाएगा। यहाँ पे ऐसा पोजीशन है क्या कि पाइप में ज्यादा देना और अंदर क्या होना ज्यादा नहीं दे सकते, देखिए मेरी फिटिंग हो गया, देखिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कर बताइए कैसा लगा यूनियन में सही तरीका लगाने का, ठीक है, अब चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद। और ऊपर एक वीडियो आएगा जरूर देखिएगा, उसको टंकी फिटिंग कैसे करते हैं उसका वीडियो जरूर आएगा, देखिएगा उसको।